बाबा ने इस समय के लिए जो हमें कार्य दिया है जी, कि बाबा ने एक मुरली में कहा था कि वृत्ति से वृत्ति बदलना जी और संकल्प से संकल्पों को बदलने की ये सेवा बच्चों को करनी है जी। तो वो कैसे करें, उसके लिए किस बात का ध्यान दें जी, इस पर आप क्या है बाबा जो कह रहा है, एक तीनों सेवाएं एक साथ होनी चाहिए, मनसा भी होनी चाहिए, वाणी भी और संकल्प। मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से सेवा होनी चाहिए। जैसे समझिए कि मैं अभी पहले वाणी बोलने का होता है अभ्यास, तो बाबा उस मुरली में कहा था कि अब वाणी कोई सुनने वाला है नहीं, बोर हो चुके हैं सुन सुन करके, इसीलिए अब क्या चाहिए, तो वो उनको चाहिए या तो आप मनसा या आप कर्मणा। अब जो मनसा में होगा तो ही कर्मणा करेंगे, मनसा में नहीं होगा तो कर्मणा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो बोलने से फिर बाबा ने उसमें कहा था कि आपके बोलने से अब कोई सुधरने वाला है नहीं, इसीलिए क्योंकि कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि हम बोलते हैं कि हम समझो ऐसे शांति में रहो, तो वो सामने वाला जरूर अपने मन में संकल्प लाएगा ये अपने ये शांति में नहीं रहते हैं और हमको शांति में रहने को बोलते हैं। तो ये आजकल प्रवृत्ति मनुष्यों की ऐसी हुई हुई है, इसीलिए बाबा ने ये कहा था कि मनसा को बदलना है किसी की तो तुम अपने मन से बदलो। जैसे शुभ भावना की बात आती है ना, तो एक बार इसका बहुत क्लारिफिकेशन अच्छा हुआ था। शुभ भावना मेरी ओर से उसको जाती है और शुभ कामना उसकी ओर से मेरी ओर आती है, समझ में? शुभ भावना मैं करता हूँ और शुभ कामना उससे हासिल करता हूँ, तो ये दोनों कार्य एक साथ होना, तो वृत्ति। अब ये वृत्ति क्या होती है, समझिए, अब मेरा संकल्प स्मृति चल रही है तो वो स्मृति इस दृष्टि से और मुखमंडल से बराबर जानी चाहिए। माना जो मैं सोच रहा हूँ वह जैसे एग्जिबिट होना, दिखाई देना, तो वो जरूरी है। इसीलिए संकल्प संकल्प जो हमारे उधर इधर जाते थे, अभी वैसे संकल्प न जा करके बिल्कुल ही टारगेट जहाँ हमारा निशाना है वहाँ ही जाए। तो पहले तो हमको ये नहीं पता था कि ये संकल्प आते कहाँ से हैं। आजकल मैंने कई बार कहा है कि भाई सबसे अधिक बिकने वाली दवा कौन सी है, तो कहते हैं नींद की गोलियाँ, क्योंकि लोगों की नींद हराम है। वो क्यों है, वो कहते हैं पता नहीं कहाँ से आते हैं इतने इतने संकल्प। तो बाबा ने भी अभी अभी कई मुरली में कहा कि बच्चे पहले कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था इतने गंदे गंदे संकल्प व विचार आएंगे। वो कहाँ, दूसरे स्थान से नहीं आते हैं, हमारे ही गोडाउन से आते हैं, हमारे अंदर वो सारे भरे पड़े हैं, जहाँ मार्जिन मिलती है वो बाहर निकल आते हैं। तो अब इसीलिए अब ये पता पड़ा है, ये पहले की बात है, अब हमको ये मालूम हुआ है कि संकल्पों की रचना हम ही पहले किया, वो स्टॉक है, अब हमको नया स्टॉक करना है। तो क्या होगा, हम जितने नए संकल्प, पॉजिटिव संकल्प, सकारात्मक संकल्प करते जाएंगे वो फिर जमा होते जाएंगे, और वो जमा होंगे इतना भारी होगा अब जमाव कि वो जो हमारे कुसंकल्प थे, विकल्प थे, वो दब जाएंगे नीचे। तो जितना ये संकल्पों का, पॉजिटिव संकल्पों का संग्रह हमारे पास होगा तो वो मनसा सेवा कर सकेंगे, तो मनसा मन दूसरे की चेंज कर सकेंगे, तो उसके पीछे शुभ भावना हमारी रहती है। जितनी शुभ भावना किसी, अब ये शुभ भावना में ये आता है कि वो करे तो मैं करूं, वो ये भावना हमारी निकल जाती है, मुझको करना है, मैं दाता का बच्चा दाता हूँ, तो ये है। और वाइब्रेशंस वही हो गया कि हम जब शुभकामना शुभ भावना रखते हैं तो वो शुभ भावना वाइब्रेट होती है, वो सामने वाले को भी पहुंचता है कि ये किस भावना से बोल रहा है। आजकल रिसेप्टिव माइंड बहुत तेज है,
भले करके नेगेटिव ज्यादा लेते हैं पर पॉजिटिव को भी समझने की शक्ति है मनुष्य में, नहीं ऐसा नहीं, परंतु हमारी शक्ति जबरदस्त होती है तो सामने वाले व्यक्ति को उसका प्रभाव पड़ता है। तो वो बाबा चाह रहा है, जैसे हम बाबा के सामने हैं तो बाबा की प्रभाव इतना है कि हम बदल गए ना, हम बदलने के लिए हमने कौन सा ऐसा भगीरथ प्रयत्न किया है, क्या खान पान के परिवर्तन में, रहन सहन के परिवर्तन में, विकार को जीतने के इसमें हमने कोई भगीरथ प्रयत्न नहीं किया कि भाई हमने ब्रह्म प्रयत्न किया तब जा करके जीत पे, कहाँ जा करके बैठे, क्या तपस्या, कुछ नहीं किया है। एट एन ईज हमारे अंदर से वो निकल गए और हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, बाबा का प्रभाव था। तो अब बाबा कहता है जैसे मैंने किया अब तुम बच्चे भी करो। तो जैसे बाबा कहते हैं मैं शांति का, मैं सागर हूँ, तो तुम भी कोई कम थोड़े ही हो बच्चे, तुम भी सागर हो। तो इसीलिए हमारी स्मृति को परिपक्व करना है तो अगेन वही होगा कि मुरली पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे प्रवचन भी करेंगे, क्योंकि हमको ये कहा गया कि भाषण करने से और अभ्यास करने से अब हमको आलस्य नहीं करना है, करना है जितना जहाँ टाइम मिलता है उतना हमको अभ्यास करना है, मतलब पढ़ाई करनी है। तो इसीलिए स्मृति को परिपक्व करने के लिए पढ़ाई जरूरी है, सुनना भी है और पढ़ना भी है, और जितना सुनेंगे पढ़ेंगे अंदर जाएगा तो वही बाहर आएगा। ओम शांति।